क्या तुम ये कबूल करती हो कि ये खून तुमने किए हैं? जी सर। क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती हो? उन्होंने मेरे परिवार और पूरे गांव वालों को बेरहमी से मार डाला था सर। कुल 54 लोगों की जान ली थी। एक एक को बेरहमी से मारा गया। आदमी क्या, औरत क्या, बच्चे क्या, जो मिला उसे मौत के घाट उतार दिया गया। जलाने और दफनाने के लिए उनकी लाशें तक नहीं मिल पाई सर। मेरे परिवार से सिर्फ आज मैं ही जिंदा बची हूँ। मेरी तरह न जाने कितने लोग सड़क पर आ गए। मुलजिम ने जो बात अभी अभी अदालत में बताई है उसे जायज मानते हुए हम सरकार को ये आदेश देते हैं कि गांव वालों को उनकी जमीनें लौटा दी जाएं। लेकिन कानून को हाथ में लेकर आपने गैर कानूनी काम किया है, इसलिए आपको 5 साल की कैदे बामशक्कत दी जाती है। इस फैसले से भले ही चंडी को 5 साल की सजा मिली हो, लेकिन गाँव वालों को एक नई उम्मीद मिली। उनके घर, उनके खेत उन्हें वापस मिल गए। चंडी जानती थी जेल में 5 साल काटना आसान नहीं होगा, लेकिन वो ये सोचकर अपना मन बहला रही थी कि बाहर निकलने के बाद उसे अपना गांव एक आबाद गांव की तरह मिलेगा। लोगों के दिल में चंडी का दर्जा भगवान समान हो गया था। अगर चंडी नहीं होती तो हम कब के मर गए होते। चंडी की हिम्मत और हौसले की वजह से हमें हमारा हक मिला है। एक औरत होते हुए भी उसने मर्दों जैसा काम किया है। उसने अकेले गाँव वालों की जमीन, घर और खेत दिलाए हैं। उसे MLA बनना ही चाहिए। चंडी रॉक्स, चंडी जिंदाबाद। जिंदाबाद। चंडी अगर इलेक्शन में खड़ी होती है तो मेरा वोट उसी को जाएगा। हम तुम्हारे साथ हैं चंडी, इलेक्शन में जरूर खड़ी होना। गंगा, गंगा। लोग तो इसके दीवाने हैं। जी सर। ये औरत है या कोई देवी? ये वही है जिसने उन गरीबों की जमीन वापस दिलाई थी। अच्छा सर। हाँ? कई पार्टियां इसके पीछे पड़ी हैं। हाँ? वो चाहती है ये उनके लिए इलेक्शन लड़े। नहीं नहीं, तुम इसे हमारी पार्टी में शामिल होने के लिए कहो। ऐसे लोग हमारी पार्टी के लिए बहुत जरूरी हैं। तुम हमारे MLA से कहो जेल में जाकर इससे अभी मिले। मैडम, आपसे बाहर कोई मिलने आया है। नमस्ते। नमस्ते। आप लोग? हम LMP पार्टी के MLA हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारी पार्टी में शामिल हो जाइए। हक की लड़ाई लड़ने वाली आप जैसी औरत को तो पॉलिटिक्स में आना ही चाहिए। हाँ। तभी तो इस देश का भला होगा। प्लीज मैडम, मना मत कीजिएगा। नमस्ते सर। हाँ, ओके मैडम, CM साहब आपसे बात करना चाहते हैं। नमस्ते सर। रावण की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। दुनिया में अब तक बहुत बदलाव हो चुके हैं। तुमने अपने गांव की लड़ाई लड़ी, उसे देखकर बहुत सारे गांव जाग उठे हैं। तुम जैसे बहादुर लोग शांत बैठ गए तो समाज में क्रांति की आग बुझ जाएगी। सिपाही का काम है देश की रक्षा करना और नेता का काम है प्रजा की रक्षा करना। इसीलिए तुम्हें अब शामिल हो जाना चाहिए हमारी पार्टी में। मैं आपकी पार्टी में जरूर शामिल होंगी। 5 साल बाद सर, ये गंगा। नमस्ते सर। थैंक यू वेरी मच। मुझे इस बात पर बहुत नाज है कि शास्त्री परिवार हमारी पार्टी से जुड़ गया है। मुझे उम्मीद है दूसरी औरतों को भी हौसला मिलेगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। Come on!
चंडी ने भले ही अपना सब कुछ खो दिया हो, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति, हौसले की वजह से गांव वालों ने अपना खोया हुआ सब कुछ पा लिया। हर किसी की जिंदगी की कोई ना कोई प्रेरणा होती है। चंडी की प्रेरणा है चौधरी विभूतिनंद शास्त्री, चंडी के परदादा। ना जाने कितने लोगों को उन्होंने जीने की राह दिखाई। चौधरी विभूतिनंद शास्त्री, परमानंद शास्त्री भी उन्हीं के खानदान में पैदा हुए। उनके बेटे हैं अशोक शास्त्री। अशोक शास्त्री की बेटी है गंगा। गंगा? क्या हुआ भैया? गंगा कहाँ है? वो आखिर बात क्या है? भैया वो किसी कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए गई है। आपने उसे ज्यादा ही आजादी दे रखी है, घर का काम करना तो उसे बिल्कुल ही नहीं आता है। गंगा नाम रखने के बाद भी उसमें गंगा जैसी कोई खूबी नहीं है। आपके प्यार ने ही बिगाड़ा है उसे। ये मेरी वजह से नहीं है, उसकी रगों में बहने वाले शास्त्री खानदान के खून की वजह से है। इसमें मेरा क्या दोष? ये वो तीरंदाजी के मुकाबले में गई। देखा ना, बिल्कुल अपने दादा पे गई है। दरअसल बात ये है सुषमा, आजकल लड़का और लड़की दोनों में कोई फर्क नहीं होता। कुछ कर गुजरने के लिए हिम्मत चाहिए, और मेरी गंगा में वो हिम्मत है। जो इस प्रतियोगिता को जीतेगा उसे गोल्ड मेडल के साथ शास्त्री पुरस्कार दिया जाएगा। रेडी? टारगेट 2, टारगेट 3, अगली प्रतियोगी शास्त्री खानदान से गंगा। कारनामे सिर्फ शास्त्री परिवार के सदस्य ही कर सकते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते, बैठिए। थैंक यू सर। सर ये लोग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के बोर्ड मेंबर्स हैं। ये चाहते हैं कि आप कृष्णनगर गांव को पूरा खाली करवा दें। भाई तुमने तो ऐसे कह दिया जैसे कोई बच्चा चॉकलेट मांगता है। जितना लगता है उतना आसान नहीं। हमने कृष्णनगर के पहाड़ी इलाकों का सर्वे करवाया है। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ काफी मात्रा में माइका मिलने की संभावना है। चार पीढ़ियां गुजर गई सर, माइका किसी ने नहीं निकाला। जबकि इसे निकालना बहुत आसान है, पर इसे किसी ने हाथ नहीं लगाया। आप चाहें तो खुदाई शुरू कर सकते हैं, रातों रात माला माल हो जाएंगे। लेकिन ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम है, वहाँ पर एक सबसे बड़ा कांटा है। जिस कांटे की बात कर रहे हो उसका नाम अशोक शास्त्री है। अगर उसे पता चला कि हमारी नजर कृष्णनगर पर है तो न जाने हमारे कितने टुकड़े करके उसी माइका की खदान में गाड़ देगा। कृष्णनगर गांव, पूरे 360 घर, आबादी 2000, 400 सालों का इतिहास। सर बहुत काम है ना? बहुत काम है। कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे, डोंट वरी। फर्स्ट ऑफ ऑल 30, 70, नहीं 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 40, 60, नो नो। सर मैं एक बात बोलूं, 50-50 करते हैं। ओके 50-50। ओके डन, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। लाइए, मुझे कुछ बात करनी है। आप जरा बाहर वेट कीजिए। नमस्ते। नमस्ते।
राव, तुम आईएएस ऑफिसर हो, पॉलिटिक्स समझते हो। स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत पूरा गांव खाली करवा दो। ऐसी सर का टेंशन आप मुझ पर छोड़ दीजिए, आप बस अशोक शास्त्री का ख्याल रखिए सर। चलता हूँ सर। विमल। हाँ भैया। विनोद। हाँ भैया। जल्दी आओ। क्या हुआ भैया? लड़के वाले गंगा को देखने आ रहे हैं। अपनी गंगा को? हाँ। भैया, खानदान तो अच्छा है ना? बहुत अच्छा खानदान है, गंगा को बता दो। नहीं भैया, आप नहीं, मैं तो नहीं बता सकती। आप ही बताइए। तुम बताओ ना। नहीं, मैं नहीं बताऊंगी, तुम बताओ। चाचा, आप सब लोग क्या खुसर फुसर कर रहे हैं? बताइए ना चाचा। कोई बात नहीं है बेटा, आप जाओ ना, बताओ ना भैया। बोलिए ना, कुछ बोलिए भी। चाचा बताइए ना। शादी? क्या तुम शादी कर रहे हो? बता दो। अरे गंगा दीदी, कल आपको देखने के लिए यूएस से लड़के वाले आ रहे हैं। घर के सारे बड़े आपको ये बताने से डर रहे हैं। ना तो वो खुद कुछ बताते हैं और ना ही हमें बताने दे रहे हैं, इसीलिए मैं आपको ये बात बता रही हूँ। मैं इनसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। तुम्हारे पापा दिखते भोले हैं लेकिन हैं बहुत बुद्धिमान। मुझे तुम पसंद आई। गंगा, तुम्हारा क्वालिफिकेशन क्या है? ग्रेजुएट। सिर्फ ग्रेजुएशन? ये सब पुरानी चीजें हैं। आजकल की लड़कियों को देखो, वो क्या कुछ नहीं कर रही हैं। जैसे एमबीए, तुमने ऐसा कुछ क्यों नहीं किया? मैंने अब तक शादी के लिए 100 से ज्यादा लड़कियां रिजेक्ट किए हैं, क्योंकि मुझे जो क्वालिटी चाहिए वो किसी में मिलती ही नहीं है। जो दिखने में अच्छी थी उनके पास पैसे नहीं थे, और जिनके पास पैसा था उनके पास कुंवारापन नहीं था। मुझे लगता है तुम्हारे पास ये दोनों खूबियां हैं। अच्छा ये बताओ, मैं तुम्हें पसंद हूँ ना? मैं भी तो जरा ये देखूँ कि मैं जिस लड़के से शादी कर रही हूँ वो कुंवारा और पैसे वाला है या भिखारी है। ये क्या बात हुई डैड? हमारी कोई इज्जत है या नहीं? इसका कहना है कि हम पैसे वाले हैं या भिखारी? मुझे तो शादी ही नहीं करनी इस मनहूस से। बदतमीज। ज़बान संभाल के बात करो, तुम्हें बात करने की तमीज नहीं? What are you saying, अंकल? अंग्रेजी झाड़ना बंद करो, ये अमेरिका नहीं भारत है, यहाँ सब हिंदी में बात करते हैं। एक लफ्ज और बोला तो धक्के मार के निकाल दूंगा। हमें ये शादी नहीं करनी, चलो यहाँ से। You're right, डैड। रुक जाओ। तुम आए, मुझे देखा और अब जा रहे हो। दुनिया वालों से क्या कहोगे? कि लड़की बदतमीज थी। मेरे बेटे पे हाथ उठाए। लड़की चाहे लड़के को पसंद करे या ना करे, फिर भी वो सच धज कर घंटों शीशे के सामने बैठकर इस बात का इंतजार करती है कि लड़का आएगा, उसे पसंद करेगा, उससे शादी करेगा। लड़की को देखने से एक दिन पहले तुम लोग सोच लेते हो कि उसे क्या क्या ताने कसने हैं, फिर भी वो सब कुछ सह लेती है। लड़की चाहे कितनी ही गुणी क्यों ना हो, वो तुम्हारे नर्क जैसे घर को स्वर्ग क्यों ना बना दे, पर तुम्हें उसकी कद्र नहीं होगी। तुम लोगों को तो सिर्फ दहेज चाहिए, चाहे उसके लिए लड़की के माँ बाप कर्जे में डूब क्यों ना जाए। तुम जैसे दहेज के भिखारियों को जीने का कोई हक नहीं। फोटो मांगोगे, फिर फोटो में ही कमियां निकालोगे, फिर उसे घूर लेने के बाद ना कहोगे, लेकिन दहेज की लंबी लिस्ट नहीं भूलोगे। तुम जैसे लोग तो नर्क में सड़ने चाहिए। पापा, मैंने गलत तो नहीं किया ना? नहीं बेटा, गलती तो मुझसे हुई है जो मैंने ऐसा रिश्ता ढूंढा। पहले भी चंडी अन्याय सहन नहीं कर सकती थी, और आज भी अन्याय की खबर मिलते ही चंडी मदद के लिए पहुंच जाती है। ए, हाथ नहीं लगाना। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे पैसे ले लो लेकिन हमारी इज्जत से मत खेलो, प्लीज हमें जाने दो।
जाने दो हमें। छोड़ दो। प्लीज जाने दो हमें। एक के साथ एक फ्री मिल गई है, बस सीधा जंगल में रोकना। चिल्ला कर क्यों गला खराब कर रही हो? ये लोग जो कर रहे हैं उन्हें करने दो, चुपचाप इनकी बात मान लो। छे, कितनी गंदी सोच है। अच्छा, लड़की हो के तुम पब में जा सकती हो, बियर पी सकती हो, बॉयफ्रेंड को किस कर सकती हो, वहाँ शर्म नहीं आती और यहाँ तुम्हें शर्म आ रही है। सुना तूने? सीख कुछ इससे। आए हाय, क्या बात कर रही है छमिया, दिल कर रहा है तुझे अभी लपेट डालूं। चल जल्दी से कपड़े निकाल। अरे लड़के, तुम और कपड़े पहले मैं उतारूं? नहीं नहीं, पहले मैं निकालता हूँ। ए ड्राइवर, गाड़ी जल्दी भगा। मैं अगर खामोश हूं तब तो ठीक है, मैं अगर शांत हूं तब तो ठीक है, लेकिन एक बार मेरी चुप्पी टूटी तो समझो हड्डियां टूटी। रवि, मर्दों की फितरत ही एक जैसी है, लड़की दिखने की नीयत खराब होने लगती है। साले सुअर की औलाद, तुम लोग सुधरोगे नहीं। हाँ, लड़की साड़ी पहने तो कमर घूरते हो, जीन्स पहने तो उसकी फिगर देखते हो, लड़की बैठे उठे झुके चले या फिर मुड़े, तुम लोग बस अपनी आंखें सेकते रहते हो। तू अगर लड़की बनकर पैदा होता ना, तब पता चलता कि लड़कियों पर क्या बीतती है। तू जैसे कमीनी को भी पैदा करने वाली एक औरत ही है, ये भूल गया? आज के बाद अगर किसी लड़की को बुरी नजर से देखा भी ना, तो उसका अंजाम एसिड होगा। नमस्ते अशोक जी। नमस्ते। नमस्ते। बताइए कैसे आना हुआ? सरकार ने आपके गांव में फैक्ट्री लगाने का फैसला किया है। आप हमसे किस तरह की मदद चाहते हैं? ये गांव खाली करना होगा। क्या बकते हो? गांव के बारे में एक लफ्ज भी कहा तो जान ले लूंगा। हमने सरकार से कभी कोई मदद नहीं मांगी, हमने अपने खून पसीने से सींच कर इस जमीन को उपजाऊ बनाया है। आपका नाराज होना बिल्कुल जायज है कि फैक्ट्री के लिए आपको अपना गांव छोड़ना पड़ रहा है। आप अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत अपना ये गांव खाली कर दें तो आसपास के कई गांव को फैक्ट्री लगने से फायदा मिलेगा। न जाने कितने पिछड़े गांव खुशहाल हो जाएंगे, हर तरफ तरक्की होगी अगर आप मान जाएं तो। आपने हमेशा से गांव वालों का सिर्फ भला ही सोचा है, आपको अपनी जमीन का मुआवजा भी मिलेगा, खेती बाड़ी में तरक्की होगी, बच्चे इंग्लिश स्कूल में पढ़ने लगेंगे, आसानी से तीन वक्त की रोटी मिल जाएगी। सिर्फ आपका एक छोटा सा फैसला सबकी जिंदगी बदल देगा। जरा ठंडे दिमाग से सोचिएगा। सरकार को जमीन देने के बाद हमारे पास क्या बचेगा मालिक? हमारी जमीन चली जाएगी तो हम खाएंगे क्या मालिक? विकास के नाम पर न जाने कितने गांव तबाह होंगे, बिन जमीन के किसान ऐसे हैं जैसे बिन माँ बाप का बच्चा। विकास होना बेहद जरूरी है, कब तक किसान आत्महत्या करते रहेंगे? हम अपने बच्चों को भी डॉक्टर और इंजीनियर बनते देखना चाहते हैं। अगर हमारे गांव की वजह से सबकी तरक्की होती है तो इसमें हर्ज ही क्या है? कलेक्टर साहब, हमने फैसला ले लिया है, सबकी तरक्की के लिए हम अपनी जमीन देने को तैयार हैं। पापा, आज तक आपने जब भी कोई फैसला लिया मैंने आपके चेहरे पर खुशी ही देखी है, आज के फैसले के बाद आप दुखी क्यों हैं पापा?
गांव छोड़ना मेरे लिए कुछ इस तरह है जैसे आत्मा शरीर से अलग हो रही हो। ये खेत खलिहान भाईचारा सब खत्म हो जाएगा। यही सब सोचकर मैं दुखी हूं बेटा। गांव वाले बहुत भोले हैं, मैं नहीं चाहता मेरे फैसले से उन्हें कोई नुकसान पहुंचे। यही बात मुझे खाए जा रही है। लेकिन सड़कें, स्कूल, फैक्ट्री, रोजगार तरक्की के लिए जरूरी है। परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। देश के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए हमें इस गांव को छोड़ना ही पड़ेगा बेटा। हमने जन्मभूमि को बेच डाला। ये रहा तुम्हारा हिस्सा, खुदाई का काम शुरू कर दो। विकास के नाम पर सबको उल्लू बनाया और उनसे पूरा गांव हमने खाली करवा दिया। मैंने गांव वालों को धोखा दिया है। अशोक शास्त्री को इसका पता चला तो? सरकार हमारे हाथों में है कलेक्टर, मुआवजा लेने और पेपर साइन करने के बाद ये गांव वाले हमारा कुछ नहीं कर सकते। हाँ हाँ बोलिए। मालिक, मालिक, गजब हो गया मालिक। क्या हुआ? उन लोगों ने हमें धोखा दिया है। मिनिस्टर ने, कलेक्टर ने हमारी जमीन प्राइवेट कंपनी वालों को बेच दी है। हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है। हमें जमीन वापस लेनी चाहिए। अगर सांप और नेता एक साथ दिख जाए तो सांप को छोड़ दो, नेता को पहले कुचलो। जिस गांव को हमारे पूर्वजों ने मेहनत से सींचा है उसका तुझ जैसा घटिया नेता कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अंग्रेजों ने अपना कारोबार बढ़ाने के लिए देश पर कब्जा किया और चले गए, लेकिन तुझ जैसे भ्रष्ट नेता को पत्थर मार मार के इसी जमीन में दफन कर देंगे हम। तुम हमें इस तरह से बर्बाद नहीं कर सकते। हमारे जीते जी तुम्हारी ये साजिश कभी पूरी नहीं होगी। सिर्फ कागज पर साइन लेने से तेरा काम पूरा नहीं हुआ। हम अपना हक लेकर रहेंगे, हमें किसी से डर नहीं लगता। गाँव वालों के सारे कागजात इसी वक्त लौटा दो। नहीं दो तो छोड़ेंगे। सुन लिया, वीरों की इस भूमि ने अंग्रेजों तक को यहाँ टिकने नहीं दिया, तो तू हमसे हमारी जन्मभूमि क्या छीनेगा? तूने हम लोगों को धोखा दिया, तुझे नहीं छोड़ेंगे, तुझे हम कुत्ते की मौत मारेंगे। मारो इसे। डॉक्टर, ये क्या? इन्हें तो बीपी की प्रॉब्लम है, पर इस मशीन में तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। नहीं, ये बीपी का असर नहीं है, ये डीपी का असर है। डीपी मतलब? धुलाई पिटाई। इनकी बिना साबुन के ही जम के धुलाई जो हो गई है। चुप कर। छोड़ दो मुझे। अब तक सिर्फ गुलाब, चमेली, मोगरे के फूलों की मालाएं ही पहनाई गई थी मेरे गले में। आज पहली बार उसी गले में पाटा, चाटा, टाटा की चप्पलें पहनाई गई हैं। बदल गया, मेरा समय बदल गया है। आज के बाद उस गांव में कोई चप्पल नहीं पहनेगा। इस झगड़े की शुरुआत उन लोगों ने की है, अंजाम तक हम पहुंचाएंगे। अब हम उस जमीन से माइका नहीं निकालेंगे, बल्कि उसी जमीन में गांव वालों को खोद के गाड़ देंगे। दोबारा घर बनाने में मैं आपकी हर तरह से मदद करूंगा।
विभूतिनंद शास्त्री की मूर्ति को पुनर्स्थापित करेंगे। देखो एसीपी, जो भी बन पड़ता है करो। उस गांव में मुझे बस तबाही देखनी है। शास्त्री, तुमको और गांव वालों को यह गांव खाली करना होगा। नहीं करेंगे, नहीं खाली करेंगे, कभी नहीं खाली करेंगे। तुम लोगों ने पहले ही मुआवजा ले लिया है, रूल के मुताबिक ये जगह खाली कर दो। और नहीं किया तो? तुमने मिनिस्टर साहब पे हमला किया, अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्ज में तुमको अंदर डाल दूंगा। पुलिस की खाकी वर्दी पहनकर तुम भ्रष्ट नेताओं की दलाली का काम करते हो। अंदर तो क्या, तुम मेरे पापा को छू भी नहीं सकते। हिम्मत है तो हमें झूठे केस में अरेस्ट करके दिखाओ। अब तक मैं इज्जत से बात कर रहा था, अगर गाँव खाली नहीं किया तो मैं एक्शन लूंगा। तू हम पर एक्शन लेगा? तेरी इतनी हिम्मत? मिनिस्टर का पालतू हम पर एक्शन लेगा? ये मत भूल, मेरे एक इशारे पर तेरी जान जा सकती है। जाके बोल उस मिनिस्टर को, विकास के लिए गांव खाली कराना जरूरी नहीं है। उसने यहाँ कदम भी रखा तो उसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। निकल यहाँ से। क्या हुआ? पिछले 3 दिनों से मेरा पति घर नहीं आया, आप मदद कीजिए। जिस थाली में खाया उसी में छेद करता है। शाबाश, मतलब अब सिर्फ अशोक शास्त्री का परिवार ही बचा है, उन्हें भी खत्म कर दो। इतिहास में तुम्हारे परिवार का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है। आज मैं उस नाम को डिलीट कर दूंगा। जरा अपने आसपास देख लो। अंग्रेज तक हमारे परिवार का इतिहास मिटा नहीं पाए तो तेरी क्या औकात है? शेर को दूर से ही देखते हैं, समझा? उसे छूते नहीं है। सही कहा,
इसीलिए मैं शेर चीते के पास जाके उनका शिकार नहीं करता हूँ, मैं उन्हें फाड़ के उनकी गर्दन मरोड़ के मार डालता हूँ। मुझ में मरने की हिम्मत तो है, क्या तुझ में मारने का जिगर है? तुम लोग जब चाहते हो पुलिस और मिनिस्टर पर हाथ उठाते हो, ये हिम्मत तुम में आई कहाँ से? हिम्मत ये हमारे खून में है। मैं बागी हूँ, मेरे पूर्वज बागी थे, हमारी सोच बागी है। जुल्म के खिलाफ बगावत करना हमारे खून में है। इनसे बात करके कोई फायदा नहीं, पूरे खानदान को यहीं पर खत्म कर डालते हैं। सुन, एक बार क्या, मेरा परिवार हजार बार मरने को तैयार है। हमारे परिवार में क्रांतिकारी खून बहता है, हमें अपनी जन्मभूमि से प्यार है। अपनी जन्मभूमि के लिए हम लड़ते लड़ते कुर्बान हो जाएंगे। तुम्हारे गांव वाले आत्महत्या करने की वजह से नहीं मरे, मैंने उन सबको मारा है। अशोक शास्त्री की बेटी अभी भी जिंदा है भाई, उसे हॉस्पिटल ले गए। बच कैसे गई?
सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कृष्णानगर में हुई आत्महत्याओं की जांच करने के लिए सरकार ने एक स्पेशल ऑफिसर को नियुक्त किया है। भाई कृष्णानगर की आत्महत्याओं की जांच करने के लिए सरकार ने एक स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंट किया है। कहते हैं साला बहुत कड़क है। वो चाहे कितना भी कड़क हो हम उसे नरम कर देंगे। बताइए आपके साथ क्या क्या हुआ। वादा करता हूं आपकी सारी प्रॉब्लम्स मैं मिटा दूंगा। एसीजेड का हवाला देकर हमसे गांव खाली करवाया। एसीजेड लागू होते ही गांव वाले एक एक करके मरने लगे। कृष्णानगर गांव के लोगों को हमने उसी गांव की जमीन में दफन कर दिया, तो क्या हम एक स्पेशल ऑफिसर का भी ये हश्र नहीं कर सकते हैं? दफन कर दो उसे। कौन है? पुलिस पे हाथ उठाता है। पुलिस वो होती है जो लोगों की रक्षा करती है। तू तो पुलिस के भेस में भ्रष्ट नेताओं का दलाल है। एए, मुझ पर हाथ उठाकर तूने गलती की, जाकर मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देखो। ट्रैक रिकॉर्ड और तेरा? लोगों से रिश्वत लेना, भ्रष्टाचार करना, मिनिस्टरों की गुलामी करना और आम आदमी पर अत्याचार करना। तनख्वाह सरकार से लेता है और काम मिनिस्टरों का करता है। तुझे अच्छी तरह जानता हूँ, तेरी पूरी जन्म कुंडली बनाऊंगा मैं। बता दे अब कौन कौन शामिल है तेरे साथ। मुंह खोलता है या फिर खोपड़ी खोल दूं मैं तेरी? बताता हूँ देवा। इसमें मिनिस्टर, कलेक्टर और विशंबर राव का हाथ है। असल में उन लोगों का मंसूबा गांव वालों की जमीन पर कब्जा करने का था। जो लोग विरोध कर रहे थे उनको मारकर खेतों में गाड़ दिया गया। देवा हे भगवान, इट्स रिडिकुलस। बिना सबूत के अगर मुझे गिरफ्तार करना चाहेगा तो उसकी धज्जियां उड़ा दूंगा। जानता हूं अगर ऐसा किसी और के साथ होता तो वो पूरी तरह टूट जाता, लेकिन तुम तो औरत के कई रूप हो, लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, महाकाली। आज इन मासूम गांव वालों को बचाने के लिए तुम्हें फिर से खड़ा होना होगा। मैं कोई देवी नहीं हूँ, सिर्फ एक लड़की हूँ। देवियों की तरह मेरे पास शक्तियाँ नहीं है, ना ही कोई शस्त्र है। शस्त्र नहीं है तो क्या हुआ, अपने हाथों से लड़ो। अगर हाथ भी ना रहे तो अपने जज्बे से लड़ो। आज अगर तुम जिंदा हो तो उसके पीछे एक मकसद है, ऊपर वाले का ये इशारा समझो गंगा। कोर्ट में आओ और गवाही दो, न्याय के लिए लड़ो।
फाइल मिल गई। स्पेशल ऑफिसर ने मिनिस्टर पे जो आरोप लगाए हैं उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने सिरे से नकार दिया है और सबूतों से भी कुछ साबित नहीं हुआ, लिहाजा ये मामला खारिज किया जाता है। तब से आपकी वीरता के किस्से सुने हैं, आपके साहस और निडरता ने मुझे सिखाया कि जीना है तो दूसरों के लिए जियो। लेकिन आज हमारा गांव जड़ गया है दादाजी। गांव के हर त्योहार की शुरुआत आपकी मूर्ति पर माला चढ़ा के होती थी। अंग्रेजों के खिलाफ लड़के आपने सबको बता दिया था कि शास्त्री परिवार अपने लोगों और मातृभूमि के लिए अपनी जान भी दे सकता है। वंदे मातरम शब्द सुनते ही इस धरती पर पैदा होने वाले हर इंसान के दिल में इस धरती के लिए प्यार उमड़ता था। न्याय की रक्षा कीजिए, मासूमों को लड़ने की ताकत दीजिए, साबित कर दीजिए कि आज भी सत्यमेव जयते हैं, सत्यमेव जयते हैं। मैं आपकी कसम खा के कहती हूँ कि आज से मैं भी अन्याय और ज्यादति के खिलाफ लड़के लोगों को न्याय दिलवाऊंगी। 2 महीने बाद जन्मदिन मना रहे थे तभी एक अनजान लड़की उन्हें विश करने आई और उनका सर काटकर अपने साथ ले गई। एक लड़की का कलेक्टर को इस तरह से मार देना कोई मामूली बात नहीं लीजिए। है ये दुश्मनी थी या इसकी वजह कुछ और है, पुलिस इसकी छानबीन कर रही है। जन्मदिन की शुभकामनाएं। जन्मदिन मुबारक हो सर। जन्मदिन मुबारक हो सर। वेलकम वेलकम। सर को गुलदस्ता दो। नमस्ते। नमस्ते। ए रुको, कौन हो तुम? ए! जी सर। वो लड़की चकना ले जा रही, जाने दो उसे। जाओ सर के आगे सब कुछ परोस देना। अपने सर को कबड्डी खेल बहुत पसंद है। आओ सर जी। सर बिल्कुल कच्ची शराब है सर, सूंघते ही नशा हो जाएगा आपको। क्या बात है, दिखने में तो बहुत हसीन लगती है, पर हमसे किस बात की शर्म? जरा घूंघट तो उठाओ, और कितना इंतजार करवाओगी? सर हैप्पी स्वागत, एंजॉय। सर मेरे कागज पर साइन नहीं हुआ अभी तक। काम तो हो जाने दो। ए, सर अंदर योगा कर रहे हैं, डिस्टर्ब मत करना, ध्यान रखना मैं खाना खा के आता हूँ। ओके सर। चलो आ जाओ आ जाओ। फूल गुलदस्ता लेकर खड़ा है, ये तो अजीब बात है। चंडी
जिस तरह से गांव वालों को धोखा दिया है, उनकी जमीनें छीनी, उनकी जानें ली, मैं उसका बदला लेने आई हूं। ए, इसने कलेक्टर साहब का खून कर दिया। ए, रुक, भाग के कहां जा रही है? ने कलेक्टर का सर कलम कर दिया। तुमने एक बड़ी जंग छेड़ दी। अत्याचार के खिलाफ लड़ने का मेरा तरीका थोड़ा हटके है। मेरे लिए जो गलत है वो मरेगा। सांप अपने शिकार को डसता है, फिर निगलता है। शेर शिकार पर झपटता है और उसे मार गिराता है। डसना हो या झपटना, सिर्फ और सिर्फ शिकार की कमजोरी पर निर्भर है। कातिल कितना भी चालाक, होशियार या सतर्क क्यों ना हो, कोई ना कोई सबूत पीछे छोड़ ही देता है और पुलिस की गिरफ्त में आता है। तुमने आज कलेक्टर का खून करके मुसीबतों को न्योता दिया है। तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुम्हारे दुश्मन कितने खतरनाक हैं। उनसे मुकाबला करना आसान नहीं। आज के बाद तुम्हारी मेंटल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस परफेक्ट होनी चाहिए। अब तुम एक आम औरत नहीं, अब तुम चंडी का शक्ति रूप हो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बैठो। सर, ये कलेक्टर साहब के मर्डर केस की फाइल है। इस केस का कोई गवाह है? आई विटनेस को लेकर आओ। ओके सर। नमस्ते सर। क्या करते हो तुम? छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट लेता हूँ सर, रियल एस्टेट से गुजारा करता हूँ मैं। मैंने सुना तुम लड़कियों के दलाल हो। ची 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 ची, कलेक्टर साहब ने मुझसे मंगवाई थी सर, मैं ऐसे काम तो कर ही नहीं सकता। कुछ पर्सनल जानकारी? पर्सनल बातें मैं कैसे बता सकता हूँ सर, कलेक्टर साहब भी उससे पर्सनल हुए थे, वही उसके क्लोज गए थे सर, वही जानते हैं सर। मैं तो गरीब आदमी हूँ सर, मुझे जाने दीजिए सर। तो इसके अलावा तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता? आपको मेरा यकीन नहीं है क्या? उसने मंगाई उसको ला कर दी, आप मंगाएंगे तो आपको उससे अच्छी ला कर दूंगा सर। छोड़ दीजिए सर, आपको कलेक्टर की कसम। दिखती कैसे सर? दिखने में काली नागिन जैसी थी, लेकिन सच कहूं तो उसको देखकर किसी की भी नीयत खराब हो सकती थी सर, आपकी भी। सर, उसके दांत बिल्कुल एंजेलिना जोली जैसे थे, उसका फिगर बहुत सुंदर था सर। मेरे एक बीबी, एक बेटी और एक खाने वाला है सर। मुझे छोड़ दीजिए सर, मुझसे गलती हो गई सर, मुझे माफ। चुप कर, रिवर्स। बच गया। ओवर एक्टिंग बंद कर, पीछे। तुम्हारे घर में भी बेटी है ना, शर्म नहीं आती तुम्हें लड़कियों का धंधा करते हुए? जरूरत पड़ेगी तो तुझे यहाँ आना होगा, समझा? चल जा। कलेक्टर के बारे में पता लगाओ।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ब्रेकफास्ट तैयार? रेडी है सर, अभी लाया। हमारी जमीन पर गैर कानूनी ढंग से कब्जा कर लिया गया है, हमें वापस चाहिए। नहीं मिली तो अनशन जारी रहेगा। ये सब कैसे हुआ? विशंभर राव ने जबरदस्ती हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया और जब हम अनशन पर बैठे तो उसने हमें गुंडों से पिटवाया। अब हम गरीबों को न्याय सिर्फ सीएम साहब दिलवा सकते हैं। सीएम साहब थोड़े बिजी हैं, मैं उन्हें अभी सारी दास्तान बता के आता हूँ। क्या हुआ, बाहर ये हंगामा कैसा है? आपसे कुछ लोग मिलने आए हैं। किस बारे में? विशंभर राव ने उनकी जमीन पर जबरदस्ती अपना कब्जा कर लिया है सर। जब उन्होंने अपना हक मांगा तो उसने उनकी पिटाई करवा दी। उस विशंभर राव का जरा फोन लगाओ। सीएम साहब का फोन है। बोलिए सर। अरे विशंभर राव, ये सब क्या हंगामा है? दो कौड़ी के मजदूरों के चक्कर में आप मुझसे सवाल कर रहे हैं? आपको ये शोभा नहीं देता क्या? आप ये बात भूल गए कि मेरे पीछे लाखों लोगों का सपोर्ट है। ये बात अपनी डायरी में नोट कर लो, आइंदा दो कौड़ी के लोगों के चक्कर में फोन करके वक्त बर्बाद मत करना। आजकल के ये छोटे मोटे गुंडे भी सीएम को भी धमकी देने लगे हैं। उन लोगों से मैं क्या कहूँ सर? क्या कहोगे उनसे, कहो मैं कुछ नहीं कर सकता। जाओ सुनो, मैं कुछ करता हूँ। सीएम सर मीटिंग में है लेकिन वो आपकी मदद जरूर करेंगे। रहने दो सर। अरे यहाँ हमारी कोई नहीं सुनने वाला, चलो अब हम फिर से भूख हड़ताल करेंगे। सीएम मुर्दाबाद, सीएम मुर्दाबाद। आप लोग अनशन कर रहे हैं, आपको लगता है कोई फायदा होगा? अगर अनशन पर बैठे बैठे कहीं आपकी जान चली गई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो क्या करें, हम गरीबों के पास आमरण अनशन के अलावा और क्या रास्ता है? हमारी जान जाती है तो जाए। हमने अपनी पूरी कमाई से जमीन खरीदी है, अगर वही जमीन हमसे छिन गई तो हमारे बाल बच्चे और हमारा पूरा परिवार कहाँ जाएगा? ये सारे लोग मेहनत मजदूरी करके कमाने वाले हैं, कंडक्टर्स और प्यून्स। इनके लिए गवर्नमेंट ने लैंड सैंक्शन की है लेकिन हमारे पॉलिटिशियंस ने इनकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। भाई हैं क्या? भाई अंदर है। नमस्ते भाई। हाँ कौन हो तुम? मुझे आपकी मदद चाहिए। मदद तो मैं कर दूंगा लेकिन भाई बोलोगी तो मुश्किल है। ठीक है जीजा जी, आपकी मदद चाहिए, कर दो ना प्लीज। इस तरह प्यार से पूछोगी तो मदद तो क्या, अपनी जान भी न्योछावर कर दूंगा। तुम बस हुकुम तो करो। कोई भी खूबसूरत लड़की विशंभर राव के दरबार में आए और खाली हाथ चली जाए, ऐसा नामुमकिन है। जीजा जी जरा मेरी फिगर को देखो, एकदम मस्त है ना? लेकिन जब मेरा एक्शन देखोगे ना तो होश ही उड़ जाएंगे। बस तुम एक बार हाँ कह दो, मैं तुम्हें अपनी रानी बना दूंगा। ये प्रॉपर्टी विशंभर राव की, ऐसा तुम्हारी टी शर्ट पर लिखवा दूंगा। लेकिन बेचारी दीदी को बुरा लगेगा ना? बिल्कुल नहीं, इसे इन चीजों की आदत हो गई है, रोज का चक्कर है ये। यानी वो बात बिल्कुल सच है? कौन सी बात? आपकी पत्नी को भी कई लोगों ने रिजर्व किया हुआ है, आपकी नजर हटते ही वो दीदी के साथ नैन मटक्का करते हैं, सब दीदी के दीवाने हैं। क्या ये सच है? बच्चन और औरत? रुक जाओ। अपनी पत्नी के आशिकों के बारे में पता चला तो तुम एकदम से आग बबूला हो गए। सोचो उन गरीबों का क्या हाल हो रहा होगा जिनकी जमीन तुमने हड़पी है, उन्हें तो यहाँ आकर तुम्हें मार डालना चाहिए। तू है कौन, जल्दी बता मुझे। भाई तो तुम बोलने नहीं देते हो, जीजा कहा तो मदद के लिए तैयार हो गए, अब परेशानी बता दी है तो मदद करो। लगता है तू कोई प्रेस रिपोर्टर है या फिर सीबीआई से। मेरे बारे में इतना जानकर तुम क्या करोगे? समंदर में जब छोटी मोटी लहरें उठती है ना तब मजा आता है, लेकिन जब सुनामी आती है ना तो हार्ट अटैक हो जाता है। जब सीएम को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुझे क्या प्रॉब्लम है उस जमीन से? कौन है तू? तू है कौन? चंडी। गरीबों को दी हुई जमीन जो तूने उनसे हड़प ली है ना, उसे लौटा दे। वो जमीन हैदराबाद शहर के बाहर हुआ करती थी,
लेकिन आज वो इसी शहर का हिस्सा बन गई है। तूने तो और भी जमीनों पर कब्जा करना चाहा था, लेकिन वो लोग अमीर लोग थे, पर ये बेचारे गरीब जाए तो कहाँ जाए। बस कंडक्टर, प्यून, कारखानों में काम करने वाले मजदूर, इन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से ये जमीनें खरीदी हैं, और वो जमीन मैं तुझे हड़पने नहीं दूंगी। नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, उत्तर प्रदेश, बिहार में तुम जैसे नेताओं ने छोटी सी जमीन खरीदना मुश्किल कर दिया है। मैं कोई मामूली आदमी नहीं हूँ, मुझ पर हजारों लोगों का हाथ है, सरकार हमसे चलती है। अगर अपनी पर आ जाऊं तो सरकार गिरा सकता हूं, मेरे पास वोट बैंक है, और तू मुझे डराने आई थी। जीजा जी, जीजा जी, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। गोली मत चलाना। क्या हुआ? मुझे माफ कर दो। सारी नेतागिरी एक बार में निकल गई, पहले गन तेरे हाथ में थी, अब मेरे हाथ में। आज सारी मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए तो एक बड़ा सा सरदर्द बन गया है, अब और नहीं। लौटाएगा? सारी जमीन लौटा दूंगा, आज ही सारी जमीन लौटा दूंगा। मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। ठीक है जीजा जी, एक और रिक्वेस्ट है, आप सीएम को फोन लगाकर कह दीजिए प्लीज। सर फोन किसका है? सुनिए सीएम साहब, वो गरीबों की जमीन में लौटा रहा हूँ, मुझे वो जमीन नहीं चाहिए। सच में? अचानक ये फैसला कैसे? आज मेरे सपने में देवी माता आई थी, उन्होंने कहा अगर आज मेरे जमीन नहीं लौटाई तो मेरा वध कर देंगी, अब मैं किसी को नहीं सताऊंगा। कौन सी देवी आई थी? चंडी देवी, साक्षात चंडी। आप लोगों ने तो कमाल कर दिया, आपकी जमीन आपको वापस मिल गई। सीएम जिंदाबाद, सीएम जिंदाबाद। गुड, तुमने गरीबों की जमीन का मामला बहुत अच्छे तरह सुलझा दिया और दिखा दिया कि औरत क्या कर सकती है। बड़ी बड़ी बंदूक के भी एक औरत के सामने चलना भूल जाती है। लगता है अब तुम इस खेल में माहिर होती जा रही हो। लेकिन पता नहीं क्यों लगता है कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ। सवाल ही नहीं उठता, तुम तो अन्यायियों को सबक सिखा रही हो। इंसानों को सबक सिखाते सिखाते कहीं भगवान नाराज हो जाएं। जब जब इस धरती पर पाप बढ़ता है तब भगवान इंसान का रूप लेकर उसे खत्म करने प्रकट होते हैं। तुम भी वही कर रही हो, इस लड़ाई को जारी रखना होगा। मासूमों और बेगुनाहों की रक्षा करने वाले लोग आगे चलकर योद्धा या लीडर कहलाते हैं। ट्रेनिंग में अगर टारगेट चूक जाए तो तुम्हें और मौके मिलते हैं, लेकिन जंग के मैदान में अगर टारगेट चूक जाए तो तुम खुद टारगेट बन जाते हो। टेक दिस गन, ऑल द बेस्ट। जमीन हमारी आपकी, नहीं किसी के बाप की। इलीगल कंस्ट्रक्शन बंद करो, बंद करो, बंद करो। देश में गुंडे राज करते हैं, गुंडे एमएलए बन जाते हैं, एमएलए मिनिस्टर बन जाते हैं। मिनिस्टर मुर्दाबाद, मिनिस्टर मुर्दाबाद, मिनिस्टर मुर्दाबाद, मिनिस्टर मुर्दाबाद, मिनिस्टर मुर्दाबाद, मिनिस्टर गुंडा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, गुंडा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, लैंड माफिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मिनिस्टर मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हेलो, सब स्टूडेंट्स हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप हुक्म कीजिए, सबको खत्म कर दूंगा। पहले भाई से बात करने दे। आपका ड्रिंक सर। भाई, स्टूडेंट लोगों की चिल्लम चिल्ली बहुत बढ़ गई है। जितना जल्दी हो इंडिया आ जाओ भाई। ओके ओके। भाई नमस्ते। बहना, जीजा जी आ गए, देसी घी से इनकी आरती उतारो अच्छी तरह। ये धुआं उड़ाना बंद करो, जमाने के साथ तुम भी बदल जाओ। अरे महेश, सांप को ठंडा पानी दो। तत्काल में इंडिया क्यों बुलाया? यहाँ के गरीब वर्कर्स का मामला तो हल हो गया भाई, लेकिन कोस्टल बेल्ट का मामला नाक में दम कर रहा है। ये प्रॉब्लम तू भी सुलझा सकता था। ऐसे कैसे सुलझा सकता था भाई, ये छोटी प्रॉब्लम नहीं है, इसे जितनी सुलझाओ उतनी उलझती है। सारे स्टूडेंट्स हमारे खिलाफ खड़े हो गए हैं और उन्हें यहाँ के पब्लिक का सपोर्ट भी मिल रहा है, हमें जल्दी कुछ करना चाहिए। कृष्ण भगवान ने शिशुपाल को अपनी गलती सुधारने के न जाने कितने मौके दिए, लेकिन मैं स्टूडेंट्स की इस गलती को सुधारने के लिए एक भी मौका नहीं देने वाला। एसीपी को एक मिस्ड कॉल दे। हेलो सर।
मेरी लाइफ को स्टूडेंट से खतरा है, तुम सिर्फ तमाशा ही देखते रहोगे या कुछ एक्शन लोगे? आप कहें तो उन स्टूडेंट्स का एक एक करके एनकाउंटर करवा दूं? पागल हो गए हो क्या? बैंकॉक जाके आराम से मसाज के मजे लो। जो दुनिया में पैदा होता है उसे मरना भी तो पड़ता है, और जो मर जाता है वो फिर से नया जन्म भी लेता है। इन स्टूडेंट्स के नए जन्म का शुभ मुहूर्त मैंने तय कर दिया है। तुम बैंकॉक में जाकर आराम से मसाज करवाओ, शॉपिंग करो, बस हैदराबाद को कुछ दिनों के लिए हमारे हवाले कर दो। स्टूडेंट्स का काम तमाम करके मैं उनके लिए नर्क के दरवाजे खुलवा दूंगा। मैंने सुना था अकलमंद स्टूडेंट्स अक्सर जिंदगी में ऊंचाइयों को छूते हैं। डॉक्टर बने तो वेरी गुड, इंजीनियर बने तो सुपर्ब, अगर बिल गेट्स बने तो छकास। पढ़ाई लिखाई करके तुम लोग कुछ बन जाओ, आखिर मेरे पीछे क्यों पड़े हो? समय की बर्बादी। मुझे कारावास भिजवा के तुम लोग अमर नहीं हो जाओगे बल्कि मर जाओगे। तुम जानते हो कि पुलिस चुपचाप अपना काम कर रही है, कानून भी अपना काम अच्छे से कर रहा है, तो तुम बेकार में उंगली बाजी क्यों कर रहे हो? अब देखते हैं इन शागिर्दों को बचाने इनके कौन से उस्ताद आते हैं। कलेक्टर का कत्ल करने के पीछे किस लड़की का हाथ है ये पुलिस अब तक पता नहीं लगा पाई है, इसलिए सरकार इस मामले की छानबीन के लिए ये केस सीबीआई को सौंप रही है। पुलिस डिपार्टमेंट सीसीटीवी कैमरा जैसा होता है, जो दिखता है वही रिकॉर्ड होता है। तुम्हारे लिए फिलहाल इस शहर को छोड़ के जाना ही ठीक होगा। मैंने संगम अपार्टमेंट में तुम्हारे रहने का इंतजाम कर दिया है। थक गए। काली माता की जय। नवरात्रि आ गई। ठीक है चलो। हाय, मैं हूँ आपकी दोस्त रागनी। आज नवरात्रि का पहला दिन है और हम इस वक्त खड़े हैं संगम अपार्टमेंट्स में, जहाँ शहर के बहुत ही खास लोग रहते हैं। अब हम आपकी जिंदगी से जुड़े कुछ खट्टे और कुछ मीठे सवाल करेंगे, तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। तो आप लोग तैयार हो जाइए। भाई साहब, आपका नाम? प्यार का मारा चेरी। ओह, तभी आपने लाल जैकेट पहनी है। ये लाल रंग मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। ओह, प्यार के ऊपर थोड़ी रोशनी डालिए। प्यार की सीढ़ी जो चढ़ते हैं वो कभी उतर नहीं पाते। आई लव लव। आपको कभी प्यार हुआ है? अब तक तो नहीं, लेकिन लगता प्यार कर लूं। मेरा नाम क्या है? चेरी। तो मुझे चाहिए ब्लैकबेरी। हम प्रार्थना करते हैं कि जल्द ही आपको ब्लैकबेरी मिल जाए। चाचा, कैसे हो आप? अच्छा हूँ। मैं तुम लोगों का ही इंतजार कर रहा था। यहाँ किसी को कोई शक नहीं होगा, आ जाओ। मेरा नाम है लकी, सारा शहर मुझे लिकर बॉय कहता है। प्यार जितना नशा शराब में नहीं होता है। अगर लड़की हाय बोले तो प्रेमदास, बाय बोले तो देवदास। ओह, तो आपको किस तरह की लड़की चाहिए? आंखें एकदम बड़ी बड़ी, ललिता पवन जैसी होनी चाहिए, मुस्कुराहट एकदम भयानक मनोरमा जैसे, कमर बोले तो एकदम टोन जैसे, मतलब कमरा। ऐसी लड़की चाहिए जो दूर से देखने पर भी खाते पीते घर की लगे। अगर तू तो तगड़ी लड़की क्यों चाहता है? गद्दा नहीं खरीदना पड़ेगा ना। लव मतलब एक फैबुलस फीलिंग, नो वर्ड्स टू टेल एंड नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन। सीधा बोलो ना, 6 पॉइंट वाला लव चाहिए। 6 पॉइंट वाला? मैसेज से वेकअप, लवर के लिए मेकअप, बाइक पे पिकअप, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का क्लीनअप, ठन गोपाल हो जाए तो ब्रेकअप, उसके बाद दूसरे लड़के के साथ। यू शट अप। मैम, आपकी बारी। मेरा नाम है भारती और मेरे पति का नाम है भरत। उनके अलावा सभी भारतीय मेरे भाई बहन, और मेरे बेटे का नाम है सारथी। नो मम्मी, लकी। दोनों का मतलब एक ही है। ओ, आपका नहीं, पापा का भी। यहाँ क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो? चलो घूम के आते हैं। अरे ओ कैमरे वाले, सर अपना कैमरा इधर भी घुमा के देखो ना। ये लॉन्ड्री वाली, इसका पुरुष यानी पति छोड़ के भाग गया, लेकिन ये स्त्री मस्त करती है। ए, मैं कब से देख रहा हूँ, उन सबसे तो सवाल पूछ लिया, इन लोगों से भी पूछ लिया, लेकिन मैं खड़ा का खड़ा रह गया। अरे मेरा नहीं तो मेरे कोट का तो ख्याल कर लो। ये क्या मैडम, आपने चेरी से पूछा, बेवड़े से पूछा, इस आंटी से पूछा। आंटी बोला, चप्पल निकालो क्या? ओए लकी, मेरा लक चमक गया। तुम उसके भाई हो क्या?
उसका नाम क्या है? तुम्हारी बहन का नाम? चंडी। चंडी, चेरी, कब बनेगी हमारी जोड़ी? अबे उड़ मत ज्यादा, दोस्ती होने से पहले टूट जाएगी। ये रहा आपका कमरा। थैंक यू। मैं चलता हूँ। नमस्ते, टू टाउन पुलिस स्टेशन बोलिए। मिनिस्टर ने चार स्टूडेंट्स का कत्ल कर दिया और तुम चुपचाप आराम से पुलिस स्टेशन में बैठे हुए हो, क्या इसीलिए वर्दी पहनी थी? इससे तो अच्छा होता कि तुम उस मिनिस्टर के तलवे ही चाट लेते। ओ मैडम, क्यों कर रही हो दमदम? दमदम छोड़ और मिनिस्टर के खिलाफ एक्शन ले। क्यों मैडम, आप ही शहर की नई एसीपी है ना? मैडम, मैं हूँ गब्बर सिंह। मैडम आपने मुझे जाना नहीं, जाना तो पहचाना नहीं, मेरा डबल कैरेक्टर है। एक तरफ मैं शोले का गब्बर हूँ तो दूसरी तरफ शोले का ठाकुर। आपका मतलब समझ गया मैं। गुड। कहाँ जा रहे हो सर? चल चल रे नौजवान, चल चल। चाहे मर्डर की इंफॉर्मेशन आए या फिर कोई फेक कॉल, हमारा फर्ज बनता है कि पुलिस स्टेशन से बाहर निकल के छानबीन करने का। संतरी हो या मंत्री, मौसमी हो या नारंगी, सबकी हिफाजत पुलिस करती है। शोले में जैसे गब्बर के साथ सांबा था, ठाकुर के साथ रामलाल था, उसी तरह लक्ष्य को हर हाल में पाना चाहिए। बॉयज मूव। आपको मूव लगाना है सर? वो रात में लगाना, अभी बंदूक निकाल। वो आएगी? नहीं आएगी। इतना हिला मत यार, पंखड़ियां गिर जाएंगी। आज चाहे कुछ भी हो जाए, उसे अपने दिल का हाल बताना ही होगा। वो हाँ बोलेगी ना? बैग लगा जबरदस्ती। ऐसा जैसे ड्रिंक और ड्राइव डेंजरस होता है, वैसे ड्रिंक और प्रपोज भी डेंजरस होता है। वैसे ग्रीटिंग कार्ड कैसा रहेगा? एकदम चीप। गिफ्ट कैसा रहेगा? पैसे की बर्बादी। सोने की चूड़ियां? आई को शादी है क्या? साड़ी बढ़िया रहेगी। सॉरी बोले तो फिर क्या होगा? चेरी डोंट वरी। अरे हटना रे चेरी, ये फूल मेरे लिए। ये 10 रुपए का फूल मैं तुझ पे बर्बाद कर दूं, इतना फूल दिखता हूँ क्या? ये लाल गुलाब मेरी साड़ी से मैच करता है। क्या कहा? मैं लगा लूं? जबरदस्ती। एक मिनट जरा हटना, चिपको कहीं की। भाई भाई, पुलिस यहाँ आ रही है। यहाँ मूव। अरे दिवाली तो कल है। ए, इधर आ। वेलकम। भाई के अड्डे पे आने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? जानता नहीं मैं कौन हूँ। नहीं जानता? काशी भाई को नहीं जानता? अरे इस शहर में भाई को कोई जानता ही नहीं। अरे वाह काशी भाई, इनका नाम तो बनारस के नाम पर पड़ा है। मा, 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 I love you, sir. एनकाउंटर करने आया है और आई लव यू भी कह रहा है। एनकाउंटर? नहीं नहीं नहीं, मैं तो आपको हाय हेलो कहने आया। क्या, क्यों? वो इसलिए क्योंकि मैं आपका बहुत बड़ा पंखा हूँ। आपसे पहले मैं सद्दाम हुसैन का पंखा था, लेकिन मैं उससे मिलता उससे पहले ही वो ऊपर चला गया। फिर लादेन का पंखा बना, उसके साथ भी वही हुआ। अब मैं आपका पंखा हूँ, गर्मी तो नहीं लग रही? तो अब मैं भी मरने वाला हूँ सर। जाको राखे साया, मार सके ना कोई है कि नहीं, बोलो। भाई ये आपको चूरन दे रहा है। जब आप तिहार टूर पर थे, इसने हमारी पुंगी बजाई थी। कब्बे, जब आप तिहार जेल में थे, इस गब्बर सिंह के बच्चे ने हमें पुलिस स्टेशन में बुला के बसंती की तरह हमसे ठुमके लगवाए थे। ये तो अच्छी बात है, मैं भी बचपन में बाथरूम सिंगर था। हो जाए अंताक्षरी। ना 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 रे ना। गब्बर सिंह तू ही है ना? हाँ मैं ही हूँ, लेकिन डुप्लीकेट। तो वो गब्बर सिंह कहाँ है जिसने गाने गवाए थे? वो अमजद खान और ठाकुर का खतरू मिक्सचर है। कैसा है काशी? वो चाहे कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता,
पुलिस तो पुलिस होती है, जैसे चाकू चाकू होता है, खून का बदला खून, गाने के बदले गाने और डांस के बदले डांस। हाँ नाचो सालो। ए दुखी आत्मा, अब तेरी बारी। मेरी बारी? भाई लड़की की आवाज में ये मस्त गाता है। चल भाई मजाक मत कर भाई, ये झूठ बोल रहे हैं। शुरू हो जा गाना भाई, जल्दी गाना। अबे डांस मार रहा है। ए, ये क्या कर रहा तू है? कोई जोश वाला गाना गाना, धमाल होना चाहिए, आइटम गाना। ए, चल शुरू हो जा। भाई ये पुलिस स्टेशन के नहीं रेडियो स्टेशन के लगते हैं। ऐसा अक्षर दो जिसका अब तक कोई गाना ही ना बना हो। तो तू ही बता दे। शा। क्या? शा। ए, गारे। ओए, अभी तक एक भी गाना ढंग का नहीं गाया इन पुलिस वालों ने। अरे कोई ऐसा तड़कता भड़कता गाना गाओ जो आग लगा दे। ओ चिकरे टकले, तेरी बारी, तू गाना गा। गब्बर अब तेरी बारी। ए, क्या कर रहा है? हट 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 भाई, 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 ये तो गब्बर बन के निकल रहा है। मूव। आधे उधर जाओ, आधे इधर जाओ, बाकी कहीं भी जाओ। गोली गोली गोली, जल्दी बचो नहीं तो गोली मार दूंगा। बहुत सही मौका है, आज तो I love you बोल के ही रहूंगा। अरे बाप रे, ये तो CBI वाली लगती है। हाँ कमीने, तेरी मौत मेरे ही हाथों में लिखी हुई थी। पाप का खात्मा चंडी ही करती है। ये कोई सीक्रेट पुलिस लगती है, कहीं ये मुझे भी ना मार डाले। भागो। ए, रुको, 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 रुको। क्या किसी आदमी ने उसे मारा? पता नहीं सर। किसी औरत ने उसे मारा? पता नहीं सर। बीच का कोई? पता नहीं सर। कोई भी हो, अगर किसी आदमी ने मारा तो आई लव्स यू, अगर किसी औरत ने मारा तो डबल लव्स यू, और बीच वाले ने मारा तो आई हेट्स यू। 100 पर फोन करो। हेलो, किसने मारा इसको? पुलिस ने दौड़ा दौड़ा के भाई का एनकाउंटर कर दिया। काशी, काशी, तू कुछ बोल। क्यों चला गया तू मुझे छोड़ के? सर, ये हुआ कैसे? कैसे? तुम मुझसे पूछ रहे हो या कैसे हुआ? मेरे पैसे से तू बैंकॉक में अय्याशी कर रहा था, गुलछर्रे उड़ा रहा था, मसाज करवा रहा था, और अब पूछ रहा है कैसे? जैसे कि तुझे कुछ पता ही नहीं है। इंस्पेक्टर है घनचक्कर, मुझे शेंडी लगाता है। पागल कुत्ते की तरह भगा भगा कर उसका एनकाउंटर करवा दिया गया और तू वहां तेल मालिश करवाता रह गया। सर, क्या हमारे डिपार्टमेंट ने काशी को मारा है? और क्या, ऐसा नहीं हो सकता सर। सब निकम्मे हैं, कोई मार नहीं सकता उसे। जिसने काशी का खून किया है उसका कटा हुआ सर मेरे कदमों में होना चाहिए। सुन लिया ना जनार्दन, तेरे पास 48 घंटे हैं। सर,
दिखने में काली नागिन जैसी थी, लेकिन सच कहूं तो उसको देखकर किसी की भी नीयत खराब हो सकती थी। सर सर, उसके दांत बिल्कुल एंजेलिना जोली जैसे थे। ए, इधर आ। गुड मॉर्निंग सर। मिनिस्टर के भाई का गेम किसने बजाया रे? एसआई सर। एसआई का नाम बोल। गब्बर सिंह सर। ए गब्बर सिंह। हाय हाय सर, आप हैं? मुझे लगा खाकी वर्दियों में कोई गुंडा घुसा है, मैं तो खींच के एक नहीं चार देने वाला था। सैल्यूट सर। ओवर एक्टिंग बंद कर। लोअर में आ गया सर। किसके कहने पर मारा उसे? मैंने उसे नहीं मारा था सर, वो नए ऑफिसर ने उसे मारने का ऑर्डर दिया था सर। मेरी जगह छुट्टी पर कौन ऑफिसर आया था? ऑफिसर यानी ऑफिसर सर, न्यू ऑफिसर सर। ए, तू जानता है उसे? नहीं सर। तू जानता है? नहीं जानता सर। आखिर वो ऐसा कौन सा ऑफिसर था जिसे इन लोगों ने देखा ही नहीं? मेरी आंख पर पट्टी थी, उसके हाथ में दिया था। आगे आपको पता नहीं सकता किसने लिया था। मैं गब्बर, तुम्हें एक बार मना किया ना ओवर एक्टिंग करने से। ठीक है, लोअर करता हूँ सर। वो कौन सा ऑफिसर था उसके बारे में मुझे पूरी जानकारी चाहिए। नो प्रॉब्लम सर। सुन, नो प्रॉब्लम ज्यादा मत बोला कर। जिस दिन मैं तुझे प्रॉब्लम दूंगा ना, उस दिन तेरा नो प्रॉब्लम यस प्रॉब्लम बन जाएगा। सर सर सर, मुझे अब भी अरेस्ट करके जेल में डाल दो सर। क्यों रे, तुझे अंदर क्यों करूं? सर मुझे प्यार हो गया है। तो तू क्या चाहता है, तू यहाँ शादी करके अंदर हनीमून मनाएगा? सर मेरा मतलब है, मुझे जिससे प्यार हुआ है वो पुलिस वाले। लेडी पुलिस लेडी नहीं होती, उसके सीने में दिल नहीं होता। 10 रुपए के गुलाब से मोहब्बत बढ़ाओ। सर, वो कोई मामूली पुलिस ऑफिसर नहीं है, उसने पुरानी मिल में काशी भाई के पेट में तलवार घुसेड़ दी, मैंने खुद देखा। वहाँ किस लिए गया था? उसका पीछा करने के लिए। पीछा करने के लिए? पर क्यों? आई लव यू बोलने के लिए। आई लव यू? तू बोलेगा? खुद मैं। सर बात को समझिए सर, क्या एक पुलिस वाले से ही शादी कर सकती है? क्या इस छेल छबीले झिंगुर से शादी नहीं कर सकती? तेरा नाम क्या बोल? चेरी। चेरी, बॉलीवुड कॉमेडियन लगते हो लेकिन पुराने जमाने के। एक मिनट थोड़ा सा घूम जाओगे? देखिए सर, अगर आज जूनियर महमूद होता ना तो इसके आगे चाय कम पानी ज्यादा लगता। अगर इसे बॉलीवुड में एडमिशन मिला ना तो हॉलीवुड पहुंच जाएगा। चेरी जरा मुस्कुरा। वारे चेरी, जा कर ले प्यार, भले लेना पड़े थोड़ा उधार। चुप रे। लड़की को पहचान लेगा? वो मेरे बिल्डिंग में रहती है। ठीक है। एक मिनट, ये देखो उसकी फोटो। ये लड़की पुलिस डिपार्टमेंट की नहीं है। ये पुलिस डिपार्टमेंट की नहीं है तो कौन है सर, बताइए। शट अप। जिस ऑफिसर ने तुम्हें ऑर्डर दिया था, क्या ये वही है? सर, चाहे वो एक ऑफिसर हो या फिर छछुंदर, उसने क्राइम किया है, 24 घंटों के अंदर वो आपके कदमों में होगी, नहीं तो बॉलीवुड के दरवाजे मेरे लिए खुले हैं। अब मैं क्या करूं सर? एक्टिंग बाद में कर। पहले तू मेरा बॉय बनेगा। बॉय? फिर मैं तेरा डैडी। आता है तो चल। तू मेरे साथ में। भाई साहब, आपने इसे कहीं देखा है? मैंने नहीं देखा सर, वॉचमैन ने देखा है। वॉचमैन ने देखा? चल चेरी। चेरी और ब्लैकबेरी के मिक्सचर में सोडा, कुछ तो घपला है। वॉचमैन यहाँ। जी सर। ये लड़की क्या यहाँ आई है? हाँ सर। सर ये है उसका कमरा। एक बात बताओ सर, क्या वो शादीशुदा है? पता नहीं सर। किसी से अवैध संबंध? मुझे नहीं मालूम सर। क्या करती है? कभी पूछा नहीं सर। सर उसकी पैंट शर्ट मिली सर। अरे काली माता की तस्वीर है, हाथ जोड़ो। हे माता, हमारी मदद करो। Yeah.
मुझसे मिलने के लिए बेचैन थी और मैं तुझसे मिलने के लिए बेचैन था। बता तेरा नाम क्या है? जया, विजया, अभया, चतुर्भुजा, चतुर्वक्त्रा, धनुधारिणी, वसधारिणी, मृत्युनाशिनी, शत्रुनाशिनी, रुद्रकाली, भद्रकाली, महाकाली, चटी, 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 चटी। आज काली माँ का विसर्जन होगा और इधर मेरे हाथों तेरा विसर्जन होगा। तुम लोग यहीं रुको, तुम लोग आओ साथ में। चंडे उर्फ गंगा, ये बात प्रियंका, दीपिका, कतरीना, करीना, फिल्म इंडस्ट्री में इन्होंने धमाल मचा रखी है। ये नहीं तो मसाला नहीं, मसाला नहीं तो सीटी नहीं, और सीटी नहीं तो थिएटर में कोई धमालीच नहीं। तुम कैसे पुलिस वाले हो? एक अनजान औरत तुम्हें काशी का एनकाउंटर करने के लिए कहती है और तुम बिना जांच पड़ताल के उसे मार देते हो। मैंने उसे नहीं मारा, मेरे सामने ऐसी बकवास मत करो। शट अप। मुझे शट अप कह रहे हैं? सलमान फ्रॉम सीबीआई। सीबीआई? सीबीआई यानी सेंट्रल गवर्नमेंट। हम स्टेट गवर्नमेंट के लोग हैं, आप हमारे बड़े हैं, इसलिए आपको चौंका। ये पाप धोने वाली गंगा नहीं है, ये चंडी देवी है। जी हाँ सर, चंडी देवी, महान चंडी देवी। सर आप इसे बाइज्जत ले जाइए यहाँ से। प्लीज कम विद मी। चंडी की रक्षा करना सर। गोविंदा गोविंदा। औरतों को तो तुम्हारी तरह धार्मिक होना चाहिए, उन्हें घर गृहस्थी के काम संभालने चाहिए, लेकिन वो है कि एटम बॉम्ब बने घूम रही है, हर किसी को कुत्ते की मौत मारने में लगी हुई है। कौन है वो नागिन? वो आखिर इस तरह बदला क्यों ले रही है? पता लगाओ। गोविंदा गोविंदा। गोविंदा गोविंदा चिल्लाने से मुसीबत टल नहीं जाती साले। नहीं जीजा जी, वो सर पे कफन बांध के अपने दुश्मनों को खत्म कर रही है, सर काट के अपने साथ ले जा रही है। आपका भी ले जा सकती है। मैं सारी दुनिया को टेंशन देता हूँ और वो मुझे टेंशन दे रही है। मुझे उसका बायोडाटा नहीं चाहिए, उसकी कोई भी डिटेल नहीं चाहिए मुझे। अगर मुझे चाहिए तो उसकी लाश चाहिए।
गंगा हो ना? नहीं चंडी, तेरी गंगा को दफन करने के बाद धरती को चीर कर निकली है ये चंडी। जब तू मुझे नहीं मार पाया तो तेरे कुत्ते मेरा क्या बिगाड़ेंगे। बाप बम था, ये तो एटम बम है। आखिर तू है तो एक लड़की ही, मेरा क्या उखाड़ लेगी। तुझे लगता है कि जिस तरह एक पुलिस ऑफिसर और एक छोटे से गुंडे को तूने मार गिराया तो मुझे भी गिरा देगी क्या? ये सपने देखना छोड़ दे। चाहूं तो अभी तेरी कहानी खत्म कर दूं। मर्द पैदा होने से तू मर्द नहीं कहलाएगा। दम है तो मेरा सामना कर और साबित कर दे कि तू मर्द है। मेरे पीछे गनमैन, गैंग्स, गवर्नमेंट और अनगिनत पुलिस है। मारना तो बहुत दूर की बात है, तू मुझे छू तक नहीं सकती है। अगर मैं अपना ये मिनिस्टर वाला कुर्ता उतार दूं तो मैं एक गुंडा हूँ, सड़क छाप गुंडा। इतिहास उठाकर देख ले, अतीत में झांक ले, जब भी किसी राक्षस का वध होता है लोग उसे धूमधाम से एक त्योहार की तरह मनाते हैं। मुझे मार डालोगी? अरे बचाओ भाई, ये मुझे मार डालेगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। ए, मैं डरता नहीं हूँ बल्कि डराता हूँ। तुझे डर नहीं लगता? मेरे यहाँ आते ही तेरे दिल की धड़कन ही तेज हो गई, तेरे माथे से पसीना टपकने लगा। चाहे पूजा करा ले या व्रत रख ले, चंडी को रोकने के लिए जो कर सकता है वो कर ले। तूने मेरे परिवार को मारा, मासूम गांव वालों को मारा, तू तो गया मंत्री। तुझे तो ऐसी मौत दूंगी कि मौत भी कांपेगी। याद रखना, तू तो खलास। पगला गया। चाकू हाथ में उठाने से गुंडा बना जा सकता है, तलवार उठाने से एक बड़ा बदमाश, लेकिन अगर किसी औरत के दिल में बदले की आग सुलगती हो तो उसे किसी हथियार की जरूरत नहीं होती। आखिर वो है तो शास्त्री खानदान का ही खून। लगता है जीजा जी का फ्यूज उड़ गया है, दुश्मन की तारीफ कर रहे हैं। अपना मुंह बंद करो। नागिन का बदला 12 साल तक, इसका बदला मेरी मौत तक। कामयाब आदमी के पीछे औरत होती है, पर इस कामयाब औरत के पीछे कौन हो सकता है? पता लगाना पड़ेगा वो बदनसीब है कौन। मैं सलमान शेख सीबीआई से। मैं चंद्रशेखर आजाद। बैठो। हिंदुस्तानी। लगता है तुम बहुत बड़े देशभक्त हो। सिर्फ मैं नहीं, हर देशवासी जो इंडिया पाकिस्तान का मैच देखता है वो देशभक्त होता है, और हर बॉल पर वो चाहता है कि इंडिया जीते। ओह, अगर इतने बड़े देशभक्त हो तो देशद्रोह का काम क्यों करते हो? मैं तो इसे अपना फर्ज मानता हूँ। When a system fails, a power will rise. चंडी का एनकाउंटर करना था लेकिन वो बच गई, कहीं तुमने तो नहीं बचाया? शेर पर सवार होकर असुरों का विनाश करती है चंडी। चंडी तक पहुंचने के लिए शेर से निपटना पड़ता है। जानते हो यह क्या है? 9mm 10 लोगों को निशाना बना सकती है, लेकिन एक खंजर अनगिनत लोगों का खात्मा कर सकता है। काफी तारीफ कर रहे हो उसकी, क्या रिश्ता है तुम्हारा उससे? तुम्हारी पत्नी है या फिर तुम्हारी रखेल है? खामोश। गुस्सा आया ना? उसके लिए मुफ्त में काम करके भी तुम्हें गुस्सा आया? हम तो पैसे लेकर देश को बचाने का काम करते हैं, उससे रिश्ता? गुरु शिष्य। ओके, उससे तुम लोगों का खून करवा रहे हो, am I right? Wrong. तुम झूठ बोल रहे हो। Yes, मुझे अच्छा लगता है पापियों का विनाश। कुछ लोगों को स्मोकिंग से एलर्जी है, कुछ लोगों को डस्ट से एलर्जी है, कुछ लोगों को अल्कोहल से एलर्जी है, मुझे एलर्जी है इन पापियों से। दुनिया के सारे जीव जीते हैं कुदरती कानून के मुताबिक, सिर्फ इंसान ही होते हैं जो कुदरती कानून को अक्सर तोड़ते रहते हैं। लोगों के लिए जीना और लोगों के लिए मरना, इन्हीं सिद्धांतों पर चंडी का परिवार पीढ़ियों से जीता आया। चंडी, 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 चंडी। एक मिनिस्टर, एक कलेक्टर और एक पुलिस वाले ने मिलकर एक हंसते खेलते गांव में लाशों के ढेर लगा दिए। जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। तुमने चंडी को लोगों को मारने के लिए उकसाया, यहां तक कि उसके भागने में मदद भी की। तुम्हें नहीं लगता तुमने गलत किया? चंडी की मदद करने से पहले मैंने अपने संविधान की शपथ ली थी कि सभी भारतीय मेरे भाई बहन और यहाँ का हर नागरिक मुझे अपनी जान से भी प्यारा है। उनकी सारी तकलीफें और उनके दुख भी मेरे हैं, इसलिए उनके दुख दूर करना ना सिर्फ जरूरी है बल्कि ये मेरा धर्म भी है। गंगा भी एक सच्ची देशभक्त है अपने परदादा की तरह। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बनाकर लोगों को जगाया, और अब वैसे ही विचार लेकर तुम ऐसे लोगों को मरवा रहे हो जो हमारे देश को अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं। तुम ही ने गंगा को भागने की ट्रेनिंग दी है, तुम ही उसे पकड़वा सकते हो। मतलब? सीबीआई वापस ज्वाइन करो,
और चंडी को गिरफ्तार करके यहाँ लाओ। मिस्टर आजाद, आप जैसे देशभक्त ऑफिसरों की इस देश को जरूरत है। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। हेलो, तेरे मिनिस्टर का फोन दे भाई। फोन। हैप्पी डेथ डे। ए चंडी, चिल्ला मत। तेरे इतने गुंडे अगर काफी नहीं है तो उड़ीसा, बिहार, राजस्थान जहाँ से चाहे आदमी बुला ले, क्योंकि ना तो तू आज बचेगा ना ही तेरे पालतू चमचे। खुद को क्या समझती है? आज तेरी मौत का लाइव टेलीकास्ट होगा। अगर तुझमें हिम्मत है तो कुछ करके दिखा। ये वक्त बताएगा, बस तू तैयार रहना। तू औरतों को खिलौना ही समझता है, देखना कैसे मैं तेरा खिलवाड़ करूंगी। तैयार तू रहना, मैं तेरे गांव में आकर तुझे वहीं गाड़ दूंगा। सत्ता का नशा, दौलत का नशा, नशा जो भी हो, जब उतरता है ना तब आदमी बिन पानी मछली की तरह तड़प तड़प के मर जाता है। अपनी कुंडली उठा के देख, उसमें औरत के हाथों ही मौत लिखी है कुत्ते। नार का सुर का वध सत्य भामा ने किया था, महिषासुर का वध माँ दुर्गा ने किया था, तो जैसे पापी का भी वध आज होगा इस चंडी के हाथों। हिस्ट्री आज रिपीट होगी। आजा। तुझे मारकर अगर मैंने अपने गांव की खोई भी प्रतिष्ठा वापस ना ली तो मैं शास्त्री परिवार की बेटी नहीं। इसको ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। अपने आदमियों को पुलिस की यूनिफॉर्म में भेजता हूँ। बीचों बीच बैठा हूँ मैं। आजा। तूने मुझे ललकारा था ना, डर के मारे छिप गई क्या? मैं तेरा यही इंतजार कर रहा हूँ। बारा। मैं जानता था तू जरूर आएगी। बहुत अच्छा किया तूने, वरना इन बेचारों को भी ऊपर पहुंचा देता मैं। याद है मैंने कहा था कि आज तेरा डेथ डे है, अपनी मौत की उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे। ये देख, अपने साथ पूरी फौज लेके आया हूँ। पुलिस की पूरी फौज है ये। तेरे गांव में तेरा ही एनकाउंटर करेंगे। अब क्या करेगी गंगा? वर्दी वाले इस पर हमला नहीं करेंगे, मेरे आदमी तो करेंगे। अटैक! ये क्या रहे हो? सुनो, आज गंगा किसी भी हालत में बचनी नहीं चाहिए। यस सर। Hang on!
छोड़ने की एक वजह तो बता दे, फिर छोड़ दूंगी। मिनिस्टर को मारते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे पापा को वापस ला तो छोड़ दूंगी, मेरे परिवार को वापस ला तो छोड़ दूंगी, मेरे गांव और गांव वालों को वापस तो ला छोड़ दूंगी। मैं मरे हुओं को जिंदा कैसे कर सकता हूँ? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? इसीलिए तो मैंने अपने परिवार और गांव की सौगंध ली है कि इस धरती को तेरे बोझ से मुक्त करके मैं अपने गांव वालों को श्रद्धांजलि दूंगी। छोड़ दो। क्या तुम ये कबूल करती हो कि ये खून तुमने किए हैं? जी सर। क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती हो? उन्होंने मेरे परिवार और पूरे गांव वालों को बेरहमी से मार डाला था सर। कुल 54 लोगों की जान ली थी। मेरे परिवार से सिर्फ आज मैं ही जिंदा बची हूँ। मेरी तरह न जाने कितने लोग सड़क पर आ गए। लोगों के लिए जीना, लोगों के लिए मरना, लोगों के लिए काम करना, ये सब मेरे दादाजी के सिद्धांत थे। जमीन पर पहला हक किसान का है, लेकिन आज सरकार की नीतियां ऐसी हैं कि उनकी जमीन कोई भी छीन लेता है। हमारे देश की 80% आबादी अपना गुजारा खेती करके करती है। उनकी जमीनों को रियल एस्टेट वालों को ऐसी जेड के नाम पर ऐसे दे देते हैं जो उन्हें वापस कभी नहीं मिलती। आज भूखमरी और गरीबी की वजह से वो लोग अपने परिवार का पेट नहीं पाल पा रहे और पूरा का पूरा परिवार आत्महत्या कर रहा है। शहरों में लोगों की सहूलियत के लिए एयरपोर्ट बनते, सड़कें बनती, मेट्रो बनती है, और उन्हीं शहरों में इन बेचारे किसानों को मजदूरों की नौकरी करनी पड़ती है। सूरज की रोशनी, नदी का साफ पानी और खेत खलिहान हम जैसे गांव वालों के लिए काफी है। हम किसान दुनिया की भूख मिटाने के लिए अपने खेतों में अनाज उगाते हैं और उन्हीं किसानों को उन्हीं के खेतों में जिंदा गाड़ दिया जाता है। एक गरीब किसान रात को ये सोचकर सोता है कि पता नहीं अगले दिन का खाना उसे नसीब होगा या नहीं होगा। अगर वाकई विकास करना है तो गांव और किसान के बारे में सोचो, वही हमारा असली दिल है। आज अगर हमने उन गरीबों की कद्र नहीं की, उन्हें मान सम्मान नहीं दिया, तो खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे। जमीन कल उनकी थी, आज किसी और की है। जमीन वही की वही है सर, इंसान बदल गए हैं। योर ऑनर, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, हमें हमारा गांव वापस दे दीजिए, हमारी जमीनें वापस दे दीजिए। मुझे जो सजा देंगे वो मंजूर है, पर गरीबों के साथ न्याय कीजिए। मुलजिम ने जो बात अभी अभी अदालत में बताई है उसे जायज मानते हुए हम सरकार को ये आदेश देते हैं कि गांव वालों को उनकी जमीनें लौटा दी जाएं। लेकिन कानून को हाथ में लेकर आपने गैर कानूनी काम किया है, इसलिए आपको 5 साल की कैदे बामशक्कत दी जाती है। पांच साल बाद गंगा उर्फ चंडी ने जेल में 5 साल की सजा काटते हुए पल पल उन गांव वालों और उनकी तकलीफों को याद किया। उसने प्रण लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपनी सारी जिंदगी अपने दादा की तरह समाज के भले के लिए ही जिएगी। गंगा अब गंगा नहीं, एमएलए गंगा बन चुकी है। ऐसी एमएलए जो फॉर द पीपल, बाय द पीपल और टू द पीपल काम करेगी, जो इस दुनिया को जीने लायक एक बेहतर दुनिया बनाएगी, अपने गांव में वो सारी सुख सुविधाएं लाएगी जिससे वो हमेशा वंचित रहा। गंगा सपना पूरा करेगी अपने परदादा, दादा और बाबा का,
जिन्होंने सारी उम्र दूसरों के लिए जिंदगी जी।